रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वापस जाना इज अ बैड आइडिया। कार्तिक को कबीर, उसका रेजिग्नेशन है मेरे हाथ में। क्या? कबीर रिजाइन? यस। फिर मैं उससे वो डिनर टाइम पे मिलने गया। उसने बुलाया था मुझे 9 बजे। हाँ यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा। एक तरफ तुम कह रहे हो कि वो तुम्हें फिजिकली और मेंटली टॉर्चर कर रहा था, और दूसरी तरफ तुम कह रहे हो कि जब तुम्हें वो बुलाता है तुम चले जाते हो। या आखिर हो क्या रहा है यार? एक्चुअली मैं वो उसके लिए था। क्या था? मैं उसके लिए वो था। भाई क्या था भाई? मैं पंखा बंद करूं? ठंडी लग रही है? क्या था भाई? जल्दी बोल भाई, टाइम भी हो चुका है और मुझे है ना सिगरेट की तलब लग रही है। तू अभी के अभी बोल, क्या था? बोल ना। मैं उसके लिए फील करता था। वो तुम्हें टॉर्चर करता था और तुम अपना दिल दे बैठे। कुल इधर। हाँ सर। चाउमीन खाओगे? भूख लगी होगी। नहीं, चाउमीन ऑर्डर कर ले। जा रहा हूँ। शायद पहले इंसान है जो इस बात का मजाक नहीं उड़ा रहे। थैंक यू। देखो कबीर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए मैंने। मेडिकल टर्म क्या है पता नहीं, बट दिमागी शोषण से वाकिफ हूँ मैं। सर, इसके कमरे में जो लेडीज कपड़े मिले हैं उसके बारे में जरा पूछिए। वो मेरे। अच्छा लगता है मुझे लड़कियों के कपड़े पहन के तैयार होना, ऐसे क्रॉस ड्रेस करना। अबे तू तो बड़ा मीठा निकला है। हाँ, मेरी ओरिएंटेशन को गे कहते हैं। ओके, तू हमें सिखाएगा? नहीं, जा। सॉरी सर, आई एम सॉरी। अच्छा मुझे बताओ, किसी को भी पता है इसके बारे में? नो। आसिफ को पता था? क्योंकि आसिफ मेरे बारे में जानता था, इसलिए मैं उसके लिए ड्रग्स लाता ताकि कहीं वो किसी को बता ना दे। इस छुपा के यार, और कितना छुपेगा सबसे? क्या तेरी सेक्सुअल प्रेफरेंस? ये बोलो। अरे तो तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो यार? मतलब आई थिंक दैट मैं तो नहीं हूँ यार। तुम स्किप करते हैं, स्टैमर करके थक जाएगा तू। नो, यू हैव गॉट इट ऑल रॉन्ग आसिफ। ऐसा तो सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल शेकी एंड शिवरी अराउंड मी। क्यों जाके तूने मेरे लिए चार्ली अरेंज करी? आई थिंक आई शुड लीव। कब तक सच को फेस नहीं करेगा? देख, तू जितना जल्दी सच को फेस करेगा ना, तेरे लिए उतना अच्छा होगा। बट एक प्रॉब्लम है यार, आई एम एज स्ट्रेट एज द गेट। तुम उतने एक्सपेक्टेशन रखना मिल रू नहीं मुझे यार। आसिफ तुम ना मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंड हैव आई? ओ पोकेमोन, इतना इजी है तुझे टर्न ऑन करना? ब्लडी जर्क। जाके हिला ले। ड्रग एडिक्ट था ना वो? नहीं, मतलब पता नहीं एडिक्ट था कि नहीं, लेकिन वो कोक के लिए बहुत डेस्परेट था। मार सारे, मार। कब तक खड़ा रहेगा? मार मार के आधा कर दूंगा। मार और मार और मार मार सारे। मेरी बहन की रेपुटेशन कैन बी एट स्टेक बिकॉज़ ऑफ यू। शी कैन लूज हर जॉब। आई लव हर। हाउ डेयर यू? जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। जस्ट स्टे आउट ऑफ दिस। मार सारा सारे। वेयर आर मेरी बहन? समझ आ जा। कार्तिक, ही इज गेटिंग हर्ट। व्हाट आर यू डूइंग? साले छिछोरे, मेरी बहन के बारे में सोचा भी कैसे तूने? कार्तिक, स्टॉप इट यार। स्नेक,
अपॉर्चुनिस्ट है तू, मेरी बहन को मैनिपुलेट करके बना रहा है साले। जैसे मेरी बहन की रेपुटेशन कैन बी एट स्टेक बिकॉज ऑफ यू, शी कैन लूज हर जॉब। कम डाउन फाइन। नन व्हाट बॉय। साले तू मेरी बहन को डिसॉल्व करता ही नहीं है। और मैं बॉय मैं बॉय कार्तिक बॉय तू बॉय आई पिट यू कार्तिक, तू कभी समझेगा नहीं प्यार क्या है। अबे जो यूजिंग आर, अबे तू बोल रहा है मेरे को इसका बड़ी बन के बैठा है तू। अबे आई नो व्हाट गॉड डैम इट। तेरा प्यार प्यार और मेरा प्यार सबर। तुम झूठ बोल रहे हो डॉक्टर कबीर। सच कह रहा हूँ सर, मैंने ही आसिफ को मारा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। किस किस को बचाने की कोशिश कर रहे हो तुम? मैं किसी को नहीं बचाने की कोशिश कर रहा सर, मैंने ही आसिफ को मारा। मिश्रा रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ की डेथ कोकीन के इंटेक से हुई ही नहीं। लेकिन कोकीन और ओपियोइड का मिक्स होना तो कॉज हो सकता है ना सर, दोनों अलग अलग ड्रग्स हैं, उन दोनों का लीथल इंटरेक्शन कुड बी द साइड इफेक्ट ऑफ स्पीड बॉलिंग। लेकिन इस वक्त इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या तुमने कभी कोकीन यूज़ की? आई मीन कभी भी कोकीन खरीदी हो किसी पर्सनल या प्रोफेशनल यूज़ के लिए? फर्स्ट टाइम। अच्छा, और ये तुम्हें कहाँ से मिली थी? एक इंटरनेट ऑनलाइन ग्रुप पर, चैट ग्रुप पर, मेरे पास डिटेल्स हैं सारे। पर एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है, ये सब कोकेन वोकेन तुम्हें तो मेडिकल रीजंस की वजह से हॉस्पिटल में मिलती होगी। मेरे फिर तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया बाहर से उसे मंगवाने के लिए? मेरे किसी भी पेशेंट को ये ड्रग असाइन नहीं था, पकड़ा जाता है, प्रोसीजर्स आर वाटर टाइट। देखिए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट फाइनल है, आसिफ के ब्लड स्ट्रीम में कोकीन का कोई भी अंश नहीं मिला। मुझे तो लगता है ना इसका चमन बना डाला किसी ने मिल्क पाउडर बेचकर। या फिर ये भी हो सकता है कि जो नमक तुमने खरीदा था उसमें सॉलिड मिलावट थी, इतनी मिलावट कि आसिफ को कुछ असर ही नहीं हुआ। चीज़ नोट करना कोहली, कबीर के साथ आसिफ भी पहली बार कोकेन ट्राई कर रहा था हा? नहीं तो अगर वो पहली बार नहीं होता उसको पता चल जाता कि उसके नमक में मिलावट है। इसका मतलब मैंने आसिफ को नहीं मारा, I'm not the killer. मैं इतनी देर से सोच रहा था कि मैं सबसे सॉरी गाली देने के लिए, I didn't mean to say that. लेकिन मेरा सीक्रेट आप सबको। तुम अपसेट हो रहे हो क्योंकि तुमने आसिफ को नहीं मारा? एक गे और क्रॉस ड्रेसर होना कौन सा मर्डर सेंटेंस से कम है इंस्पेक्टर? Now the world knows I'm gay. मैंने ना घर में लड़का पैदा किया है क्या? और बड़ा होके ये मर्द बनना है, मर्द। नाम है हमारा बिरादरी में, अगर तू अपने पुराने तरीकों पे गया मैं तुझे मार के अपने आप को मार दूंगा। अरे पापा मैं और झूठ नहीं बोल पाया। कितना कुछ पूछना था उसे पर शायद ये राइट टाइम नहीं था।
डॉक्टर्स ओथ यही कहती है कि मैं अपनी पर्सनल इमोशंस को हॉस्पिटल के अंदर नहीं ला सकती, और मैं तुम दोनों से ना यही एक्सपेक्ट करती हूँ दैट रिस्पेक्ट दैट ओथ एंड वर्क एज अ टीम टुगेदर. क्यों गया था पुलिस स्टेशन? हाँ, ओथ ली थी ना एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने की. ओथ? रियली? एक और ओथ ली थी ना हमने एज डॉक्टर्स टू सेव लाइव्स, पर मरा ना आसिफ हमसे फिर भी. सो ज़िप इट. ओके, ओ यू ज़िप इट. तू बिना पूछे पुलिस के पास कैसे जा सकता है? गलती होगी मुझसे दीदी, आपसे पूछ के चाय पकौड़े बैठक लेके डिसीजन लेना चाहिए था ना. तेरे ना इतने कॉन्फिडेंस है ना, तेरा रॉन्ग राइट नहीं हो जाएगा. आई एम टेलिंग यू दैट. देखो ये रॉन्ग और राइट की ना बात तो करो ही मत. पहले इट वाज सारा वर्सेस कार्तिक, फिर विक वर्सेस कार्तिक. रहीम और मेरे बारे में सोचा कभी तुम लोगों ने? रियली? तुझे नहीं पता उसने हमसे कितनी सीक्रेट्स रखे हैं अभी तक? और तुम तो ऑनेस्टी का सर्टिफिकेट लेके पैदा हुई हो ना सारा. देख सीक्रेट सबके हैं ओके, तुम्हारे और आसिफ के बारे में पता है मुझे. व्हाट द फक, तू मेरे इमोशंस पे इतनी अथॉरिटीज कैसे बात कर रहा है? अगर मैं चुप कर रहा हूँ तो ओवर ये क्यों कर रही है तू सारा? देख सीक्रेट सबके हैं, द पॉइंट इज कि मैंने तेरा सीक्रेट पुलिस को रिवील किया कि नहीं. ओके सो किया या नहीं? नहीं. फ्रॉड निकालने के लिए दोनों को सेपरेट करना ही होगा, वरना सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल. लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं. तो इसका यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है? है? इमोशनली है. व्हाट क्रैप. किसका हाथ काटना चाहिए और किसका नहीं, ये उन दोनों पर छोड़ देना चाहिए. Are you for real? हम डॉक्टर्स हैं, हमें सिचुएशन को देख के मेडिकली मोस्ट वायबल डिसीजन लेना होगा. कोई भी एक फ्रेंड दूसरे के लिए डिसीजन नहीं लेगा, दोनों का कंसेंसस लेना ही चाहिए. दिस प्रूव्स कि तू डॉक्टर के लायक है ही नहीं. गाइस जस्ट ड्रॉप द ड्रामा ओके राइट नाउ. एंड आई कांट बिलीव दिस विक्टिम ऐसे लेमैन जैसी बात कर रहा है. हां लेमैन मैं हूं. लेमैन तो समझता है कि दोस्ती के इमोशंस कैन मेक और ब्रेक यू. गाइस इनफ ओके, आई एग्री विद डॉक्टर कार्तिक. एम्पुटेशन किसका होगा ये दोनों की मेडिकल कंडीशन पर डिपेंड करेगा. सो फॉलो द प्रोटोकॉल, तो उनकी फैमिलीज को इन्फॉर्म करो, उनकी परमिशन की जरूरत है. गो गेट गोइंग नाउ. सीधा सीधा ऑर्डर्स फॉलो कर, वैसे भी तेरी लास्ट सर्जरी होने वाली. क्यों? निकलवाएगा मुझे? हाँ, अपने बाप से बोल के. केएमआरसी की रेपुटेशन का सवाल. जी जी मैं समझ सकता हूँ. नहीं आप लोग नहीं समझते, केस हद से बाहर निकल रहा है. आप कौन से केस की बात कर रहे हो? आसिफ का मर्डर केस या फिर कबीर का जो नया एक्सीडेंट हुआ उसकी? और डॉक्टर कबीर ने आसिफ के मर्डर का कन्फेशन किया है, तो आप लोग उसे अरेस्ट क्यों नहीं कर लेते? क्या बात है डॉक्टर, है ना आपको सारी इन्फॉर्मेशन रहती है. डीन हूँ. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कबीर ने आसिफ को नहीं मारा है. अगर हम कबीर को पकड़ लेते हैं तो जो एक्चुअल किलर है वो तो बाहर ही रहेगा. हाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द एक अरेस्ट होने वाला है. कबीर तुमसे पर्सनली मिलकर बात करना चाहती थी मैं. एज अ डॉक्टर जो तुमने किया है अग्री की वो बहुत गलत था, बट अपनी गलती के कॉन्सिक्वेंसेस जानते हुए उन्हें एडमिट करना, दैट्स वेरी ब्रेव ऑफ यू. वैसे तुम्हारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है, एंड आई रियली होप कि तुम्हारा ये नेगेटिव एक्शन फ्यूचर इंटर्न्स में एक पॉजिटिव चेंज लाए. कबीर बाकी आई अंडरस्टैंड कि जब तक तुम्हारे पास रहने के लिए और कोई अकोमोडेशन नहीं मिल जाता तब तक तुम हॉस्पिटल डॉर्म में ही रह सकते हो. वैसे भी आज शाम को तुम्हारी फैमिली आ रही है, तो आई थिंक दे शुड बी एबल टू हेल्प यू मूव आउट. मेरी फैमिली? हाँ कबीर, वो एक्सीडेंट हुआ तो एज ए प्रोटोकॉल पुलिस को तुम्हारी फैमिली को इन्फॉर्म करना ही था. एंड कबीर आई अंडरस्टैंड ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बट एक्सीडेंट हुआ है तो और वो इन्वेस्टिगेशन भी थरो होगी. क्योंकि तुमने हॉस्पिटल से रिजाइन कर दिया इसलिए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी तुम्हारी फैमिली को जाती है. लेकिन पापा यहाँ आ जाएंगे तो फिर तो मैं गया. कबीर पापा यहाँ. लेकिन कबीर आर यू ओके? कबीर 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 यार. हम सब अपने साथ अपने ट्रॉमास लेकर घूमते हैं. सम ऑफ अस नो हाउ टू डील विद इट, सम डोंट. कबीर एक सीक्रेट को अपनी फैमिली और सोसाइटी से छुपाने के लिए इतना मजबूर हो गया था कि वो किसी भी हद तक जा सकता था. कबीर खोल, बैठ के बात करते हैं ओके? सब खत्म हो गया सारा. जाना वार्ड किधर है? सर इधर. अच्छा तू निकल जल्दी जल्दी. कॉलिंग सर जनरल वार्ड में. भाई कौन अंदर गया अब? अरे वो इंटर्न नहीं है गुजराती, डॉक्टर कबीर, उसके एक्सीडेंट के चक्कर में है, पक्की अरेस्ट है.
वैसे रॉड इम्पाल्ड दो बॉडीज के बीच में इट्स नॉट अ नॉर्मल केस. लेकिन ये ऑपरेशन सक्सेसफुल इसीलिए हुआ क्योंकि आप दोनों ने अपने डिफरेंसेस असाइड रख के एज अ टीम एक साथ काम किया. सो गुड जॉब गाइस. नॉट रियली चित्रा. चित्रा मैम. डॉक्टर चित्रा, आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और फर्म डिसीजन मेकिंग की वजह से उन दोनों फ्रेंड्स की जान बची है. ग्रीटिंग्स बात के लिए रखते हैं डॉक्टर चित्रा. डॉक्टर विक्रमजीत, यू आर अंडर अरेस्ट. व्हाट? क्या? पर क्यों? आसिफ को जिस वेपन से माथे पर ब्लंट फोर्स इंजरी हुई थी, हमारे पास रीजन से बिलीव करने के लिए कि ये वेपन इसने यूज किया. नहीं, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. देखो डॉक्टर चित्रा, यहाँ पे हम मूवी तो नहीं बनाने बैठे हैं ना जहाँ पे ऐसे ड्रामा हो, राइट? और वैसे भी आप यहाँ पे हो तो मैं चाहता हूँ कम से कम ड्रामा हो. कोहली चल. पर आप कोहली चल. ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर चित्रा? ओके चल भाई, कुछ दिन हमारे साथ गुजार ले. चल ले, चलो इसको जल्दी जल्दी जल्दी. लेट देम हैंडल. चल एक मिनट. अरे कहाँ? एक मिनट सर. चाहे कुछ भी हो जाए, I love you. चल चल भाई, भारत मिला बात न करियो. चल ले चलो इससे जल्दी. दोस्ती, दुश्मन, प्यार और एक मर्डर, इस सब के बीच में हम सब की जिंदगी झूल रही थी. इंसान सबसे भाग सकता है पर अपने आप से नहीं. मर्डर तो एक हुआ था पर उससे कितनों की जिंदगियां बदलने वाली थी.